हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन से प्लान की, जो कि काफी छोटा है। मतलब 13 फिट बाई 32, 13 बाई 32 फिट में पूरा बना हुआ है। और हमारे एक पेड यूजर है, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पूरा मकान बना है। हालांकि उनका मकान पहले से कुछ बना था, उसे केवल उन्होंने केवल फ्रंट एलिवेशन चाहिए था। तो उन्हीं की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस मॉडल को मैंने सेट किया है, एक बेहतरीन सा प्लान है। और अगर आपका भी 13 बाई 32 फिट का प्लान है तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं और आप एक बेहतरीन सी लुक के साथ घर को बनवा सकते हैं। तो अगर आपको मॉडल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मैं अभी आपको सारी चीजें इसकी क्लियर बताने वाला हूँ। तो बने इस वीडियो में लगातार। मैं हूं पवन झगड़े और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों, स्मॉल हाउस प्लान को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें। तो फ्रंट का मैं अगर आपको लुक दिखाना चाहूं तो आप देख ही रहे होंगे, 3 साइड क्लोज है, ये यहाँ पर देख सकते हैं कल फ्रंट से ओपन है। हालांकि इधर मैंने ग्रिल लगा दी, अगर आपका यहाँ पर क्लोज है इस तरफ तो आप इसे वॉल यहाँ पर खड़ी कर सकते हैं या आप ग्रिल लगा सकते हैं, ऑप्शनल मैंने दे दिया है। इसका फ्रंट की बात करें तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर है, इसमें मेन डोर आपका ये है। लगभग यहाँ पर 4 फिट का मेन डोर है मैंने रखा है। और ये आपका एक विंडो दिया है विथ फ्रेम, जिसमें एक प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहे। और ये आपका यहाँ पर स्टेयर्स बना हुआ है, इसीलिए पूरा ऊपर तक आपका डिजाइनदार विथ ग्लास बना हुआ है, गुमटी टाइप का। अब हम बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की क्या चीजें बनाई है मैंने। उससे पहले मैं आपको जूम करके और दिखा दूं, इस ग्लास की क्वालिटी आप देख सकते हैं क्या मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया वगैरह, इसका रूप, सबसे टॉप व्यू आप देख सकते हैं, ऐसा आपको दिखने वाला है। प्रॉपर सारी चीजें आप देख सकते हैं। और ये पूरा डिजाइन दोस्तों जो डेकोरेशन वाले होते हैं वही आपका सेट कर पाएंगे। हालांकि मिस्त्री का तो सिर्फ मिस्त्री का काम इतना होता है, बाद बाकी ग्लास वगैरह लगाना ये सब डेकोरेशन वाले ही करते हैं। लेकिन हाँ, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कॉन्ट्रेक्टर भी जो आपके ने जिसको भी आपने ठेका दिया होगा, कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा, वो भी सारी चीजें करता है। अब हम बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर की। ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर आप देख सकते हैं, इसका फ्रंट एलिवेशन ये है। यहाँ से आप एंट्री करेंगे, जैसे आप एंट्री करते हैं देखिएगा, यहाँ से आपको अंदर के जाने की जगह मिलती है, ये आपको थोड़ी गैलरी टाइप की मिलती है। इनको सेपरेट करना था क्योंकि इनको यहाँ पर स्टेयर भी देना था और इसी स्टेयर के नीचे इनका किचन भी बना है। मैं अभी बताऊंगा कैसे आपका इनका सेट हुआ है किचन। और इसके बाद ये देखिएगा, यहाँ से अंदर जाते हैं तो ये आपको एक हॉल टाइप का मिल जाता है, इसी से इनकी स्टेयर से जाती है। इसी स्टेयर के नीचे ही इनका किचन सेट किया हुआ है इन्होंने। इसके बाद जैसे आप पीछे जाते हैं तो आपको एक बेडरूम मिलता है और बेडरूम के बाद ये आपका इनका टॉयलेट और ये वेंटिलेशन के लिए चीजें दे रखी इन्होंने कॉर्नर पर, इससे वेंटिलेट होता रहे घर। और यहाँ पर विंडो भी दिया है वेंटिलेशन के लिए और इधर भी दिया है, ये लेट बाद इनका बना है। ये एक बेडरूम और हॉल, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गैलरी थी और इसके नीचे किचन सेट। में अभी आपको स्टेयर हटा कर दिखाता हूँ कि किचन का डिजाइन कैसा बना हुआ है। तो ये देखिए, मैंने जब स्टेयर हटा दिया तब आपको ऐसा दिख रहा होगा, किचन सेट देख रहे हैं आपके कॉर्नर पर ये पूरा सेट है। और इसको जब भी आप किचन बनवाएंगे बहुत ध्यान से चीजें बनवानी पड़ेंगे क्योंकि यहीं पर आपकी स्टेयर्स हैं तो, और उसके नीचे जो स्पेस है उसके अकॉर्डिंग बनवाना पड़ेगा। तो ये इतना स्पेस जो इनका बच रहा था यहाँ पर मैंने किचन सेट किया है। कुछ थोड़ी सी आपको दिक्कत पड़ेगी किचन को बनाने में, लेकिन इसका विशेष ध्यान रखें, जो भी कॉन्ट्रेक्टर को दें या आप खुद बनवा रहे हो तो आप इसका विशेष ध्यान रखें क्योंकि यहाँ से आपका स्टेयर चढ़ा हुआ है तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आपके पास जगह कम होगी तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर चीजें आप क्रिएट करें। आप देख सकते हैं ये फ्रंट का डिजाइन वगैरह सारी चीजें, मैं और चीजें आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ। ये इसका दोस्तों फर्स्ट फ्लोर है, अभी आपको क्लियर स्टेट्स के माध्यम से जैसे आप आएंगे ना, यहाँ मैंने छत वगैरह हटा रखी है जैसे आपको प्रॉपर चीजें और दिखें। तो देखिए, जैसे मैंने रूप यहाँ पर डाला तो आपको ये दिख रही होंगी और जैसे स्टेट्स के माध्यम से आप यहीं पर लैंड करेंगे आकर इधर, और इसके बाद देख सकते सारी चीजें वही हैं, कुछ भी चेंजमेंट नहीं किया है पीछे, सिर्फ आगे आपका जो हॉल टाइप का था ना, जहाँ गैलरी टाइप की थी जो दिख रही थी आपकी घुसने पर, एंट्री करने पर, वहीं पर एक ही बालकनी टाइप की आपकी बना दी बेहतरीन सी। आप देख पा रहे हो ग्लास का ग्रिल है और यहाँ पर ये चीजें मैंने क्रिएट कर रखी हैं, आप देख सकते हैं। प्रॉपर चीजें, गेट वगैरह मैंने नॉर्मल से दिया, जो भी चाहे वो लगवा सकते हैं। अब बात करते हैं उसका फ्रंट का जो डिजाइन था, तो ये देखिए डिजाइन पूरा मैंने एक साथ क्रिएट किया है यहाँ पर, आप देख सकते पूरा एक साथ डिजाइन बना हुआ फ्रंट का। अब यहाँ पर बात करें जो स्टेयर का आपका लैंडिंग था ग्राउंड, तो लैंडिंग यहाँ से स्टार्ट होता है, इसके बाद ये आपका ग्लास बना है और लैंडिंग के जो लगभग 8 फिट पे, इसके बाद लगभग आपका 1.5 फिट जगह छूटा हुआ, इसके बाद ये पूरा लैंडिंग आपका बना हुआ है और ये फर्स्ट फ्लोर को पूरा क्रॉस करते हुए
लास्ट फ्लोर पर जो मैंने गुमटी बनाई है ना उसको भी पूरा कवर्ड किया है। तो अगर आपका पहला वाला पोर्शन 10 फिट का है, दूसरा भी 10 फिट का है और तीसरा फिर 10 फिट का आप बनवाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका 10 10 20 फिट तो ये हो गया और 2 फिट इसमें इंक्लूड, तो 22 फिट में बना है, लेकिन 22 में 1.5 फिट नीचे और 1.5 फिट लगभग ऊपर, 3 फिट आपका छोटा है। इसके बाद ये आपका ग्लास और उसका ये फ्रेम वर्क जो व्हाइट कलर का दिख रहा है, फ्रेम लगा है उसकी सेफ्टी के लिए, तो वो यहाँ पर बना हुआ है ओवरऑल, ठीक है। और अगर आपको ये बड़ा लग रहा है, लग रहा है कि एक साथ ग्लास नहीं लगवाना चाहते हो, तो उसे 2 पार्ट में लगवा सकते हैं। जब भी आप जिससे भी ग्लास लगवाएं उससे कांटेक्ट एक बार जरूर करें कि वो आप ग्लास किस क्वालिटी का लगा रहा है और क्या उसका लंबे अगर ग्लास एक साथ लगाया जाए कुछ प्रॉब्लम्स मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, तो ये पूरा ग्लास आप लगवा सकते हैं। ये पूरा गुमटी तैयार हो जाता है गेट आपका, और ऊपर आपकी 3.5 फुट की बाउंड्री वॉल, फ्रंट में जो वही ग्रिल मैंने इस्तेमाल की जो ग्राउंड फ्लोर पे किया, फर्स्ट फ्लोर पे किया था, और ये आपकी लास्ट में मैंने यहाँ पर छत बना दी है रेड कलर की। तो ये ओवरऑल आपका मकान 13 बाई 32 फिट में बनकर रेडी हो जाता है। तो आपको अगर ये डिजाइन पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।